गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. स्टूडेंट लेट कंटिन्यू रीडिंग ऑफ चैप्टर 1 दैट इज न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट. सो स्टूडेंट ओपन योर बुक पेज नंबर 18. इन प्रीवियस वीडियो वी रीड अबाउट पैरासाइटिक प्लांट्स एंड सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स. टुडे वी रीड अबाउट इंसेक्ट वॉरस प्लांट. सो स्टूडेंट लेट स्टार्ट रीडिंग इंसेक्ट वॉरिस प्लांट. प्लांट दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग जो इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्ट वॉरिस प्लांट. दिस प्लांट हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव एंड देयर फोर कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. बट दिस प्लांट ग्रो इन प्लेस वेयर सोयल लैक इन सर्टेन न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन. सो लीव्स of these plants are modified to trap and kill small insect and digest them to obtain protein nitrogenous compound for their growth. These plants are also called carnivorous plants. Few example are pitcher plant, Venus flytrap and centaur. So for insect voracious plant ये वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं, तो वो इंसेक्ट फॉरेस्ट प्लांट कहलाते हैं. यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं जो प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं वो आपके इंसेक्ट फॉरेस्ट प्लांट कहलाते हैं. जैसे आपको नेम से पता चल रहा है इंसेक्ट फॉरेस्ट. इज दैट क्लियर? इनमें क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है तो और ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं. यानी कि ये अपना फूड भी अपने आप बनाते हैं. इज़ दैट क्लियर? इसमें क्या होता है, प्लांट को जो प्रॉपर ग्रोथ चाहिए होती है उसमें इनमें जो सॉयल होती है उसको नहीं मिल पाती है. यानी कि नाइट्रोजन भी प्रॉपर नहीं मिल पाती है. तो जो इसमें जो लीव्स होती हैं, जैसे आपका ये लीव्स जो होती हैं आपकी, ये मतलब यही इंसेक्ट को ट्रैप करती हैं, फिर उसको डाइजेस्ट कर जाती हैं और मतलब जो इंसेक्ट में जो प्रोटीन होता है उसको ये अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करती हैं. ठीक है, दीज प्लांट आर कॉल्ड कार्निवोरस. इनको कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं. ठीक है, और इंसेक्ट वॉरस प्लांट के अदर की जो एग्जाम्पल्स हैं वो है पिचर प्लांट्स, वीनस फ्लाईट्रैप एंड सेंट्रियो. इज दैट क्लियर? तो फर्स्टली डिस्कस पिचर प्लांट. द लीव ऑफ पिचर प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू पिचर लाइक स्ट्रक्चर टू ट्रैप इंसेक्ट. द टिप ऑफ द लीव इज मॉडिफाइड इनटू अ लीड दैट कैन क्लोज और ओपन द माउथ ऑफ द पिचर. द इनर वॉल ऑफ द पिचर हैज डाउनवर्ड डायरेक्शन हेयर लाइक स्ट्रक्चर टू इंटेंगल्स द ट्रैप्ड इंसेक्ट. अ फ्लूइड कंटेनिंग मैनी डाइजेस्टिव जूस इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ पिचर. दीज जूस डाइजेस्ट द प्रोटीन प्रेजेंट इन द इंसेक्ट बॉडी. तो जो आपके पिचर प्लांट होते हैं इनकी जो शेप होती है वो पिचर जैसी होती है. ठीक है, यानी कि वो एक पॉट जैसी शेप के होते हैं और उनके ऊपर लीड रखा, ये जो क्या लीव होती है ये एक लीड का काम करती है. ये जैसे इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करते हैं तो ये क्लोज हो जाती है. ठीक है, क्लोज होती क्या होता है, वो इंसेक्ट बाहर नहीं आ पाता है. और कुछ इसमें ऐसे हेयर्स होते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि नीचे की साइड होते हैं, उनके जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है. उसमें क्या होता है, वो इंसेक्ट बाहर की तरफ नहीं निकल पाता है चाहे वो कितना भी ट्राई करें. ठीक है, उसमें वो ट्रैप होकर रह जाता है. तो इसमें वो इंसेक्ट जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है और ये स्मॉल इंसेक्ट को अंदर ट्रैप कर उस्किल करके डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं. ठीक है, खाने के बाद क्या होता है, उनका जो अंदर प्रोटीन होता है जो इंसेक्ट के अंदर, वो इसको ये उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा वीनस फ्लाईट्रैप. दिस वीनस फ्लाईट्रैप, दिस लीव ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स. द एंटायर लीव इज डिवाइड इंटू टू पार्ट्स such that the midrib form hangs. These leaves have short
stuff hair like projection on it edge when an insect touch the hair or sit on the leaf. In snap on the it edge when an insect touch the hair or sit on the leaf. It snaps shut with second, trapping the insect inside. The trapped insect is then killed and digested. तो वीनस फ्लाई ट्रैप जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है, ये मतलब पार्टीशन में होता है मिडरिप, ये जो मिडल पार्ट होता है इसको मिडरिप बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। इसमें क्या होता है, एक मतलब एक स्मेल होती है अलग सी जो इंसेक्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है। तो जैसे इंसेक्ट इसकी प्लांट्स की साइड अट्रैक्ट होता है तो वो इसकी लीव यहाँ पर मतलब सिट होने की कोशिश करता है। और जो ये आपके ये जो इसके स्ट्रक हेयर होते हैं, ये जो हेयर होते हैं स्ट्रफ हेयर, ये बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। तो जैसे ही इंसेक्ट इस पर बैठने की सिट होने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, तो वैसे ही वो इसमें ट्रैप कर लेते हैं उसको, इंसेक्ट को अपने अंदर। और ये सेकंड नहीं लगाता है, ये जो प्लांट होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और अंदर ही उस इंसेक्ट को ये किल करके डाइजेस्ट कर जाता है, और जो उसमें प्रोटीन्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सेंड्रियो, सेंड्रियो प्लांट्स। द सेंड्रियो प्लांट्स हैज लॉन्ग निडल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंटिकल्स कवर्ड विद अ स्टकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूलेज। एज एन इंसेक्ट टच द टेंटिकल्स इट गेट स्टक इन द म्यूलेज। द टेंटिकल्स देन फोल्ड इनवर्ड एंड वैप अराउंड द इंसेक्ट। द ट्रैप इंसेक्ट इज than digested। तो इसमें जो ये इसके जो हेयर होते हैं, मतलब ये जो ऐसे निकले हुए हैं इसमें, ये टेंटिकल्स होते हैं, और इनके लास्ट एंडिंग पॉइंट पर कुछ स्टकी गोंद जैसा कुछ सब्सटेंस होता है जो इंसेक्ट इसके पास आता है और इस पर जब सिट होता है वो बैठता है तो वो इस पर स्टक हो जाता है, चिपक जाते हैं। और जैसे ही वो इस पर बैठते हैं स्टक हो जाते हैं, वैसे ही जो प्लांट होता है टेंटिकल्स, ये बढ़ने लगते हैं और मतलब उसको ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, और ओपन में ही उसको ट्रैप करके किल करके खा जाते हैं, ठीक है। और जो उसमें इंसेक्ट में जो प्रोटीन होता है उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो उसमें से प्रोटीन मिलता है वो इनको ग्रोथ होने में हेल्प करता है। ये जो प्लांट होता है ये ओपन में ही ये प्रोसीजर चलता है, जैसे आपका पिचर प्लांट है उसमें भी ये क्लोज हो जाता है, फ्लाई ट्रैप में भी ये क्लोज हो जाता है, बट इसमें ओपन में ही वो जो एनिमल्स होते जो सॉरी इंसेक्ट होता है उसको ये ट्रैप कर कर किल कर कर डाइजेस्ट कर जाते हैं। इज दैट क्लियर। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी सेम्प्रोबायोटिक प्लांट। थैंक यू।